हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज इसका छोटा सा फर्स्ट सर्विस से पहले माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, देखना है कितनी एवरेज दे रही है जी बिफोर फर्स्ट सर्विस, आफ्टर सर्विस भी इसका एक बार चेक करेंगे। तो उसको फुल टंक करवाते हैं, अभी दो दिन पहले तो फुल करवाया था, तब से चली है 106, तो आज फुल टंक करवाएंगे जहाँ तक पहले करवाया था। फुल कर दो भैया, यहाँ तक करवाया था पिछली यार, अब तो काफी अंदर चला गया, यहीं तक करवाएंगे जहाँ तक ये निशान है, ये वाला निशान है, यहीं तक करवाएंगे बस, क्योंकि जितना पार्ट अंदर जाता है ना इसका इतना। एक मिनट, हो गई जीरो। चलो भैया आराम से आराम से आराम से, बस 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 बस, देखो यहाँ तक आ गया भाई। अरे बस, अब कितना डर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे कि खोल के चलाएं ये। तो यहाँ पे ट्रिप ए को करते हैं जीरो, अब यहीं से कितनी भी किलोमीटर होगी इसी इस पे आके पूरा कैलकुलेट करेंगे। इसी पे आके पूरा दोबारा चेक करेंगे ट्रिप को, ठीक है। चलो अब सीधा हाईवे पे मिलेंगे, सिटी भी होगी हाईवे भी होगा, अभी तो सिटी सिटी के बीच से आ रहे हैं, सिर्फ सिटी सिटी है पूरे में, तो एवरेज मिक्स आएगा। अभी जहाँ तक है मेरी कैलकुलेशन है एवरेज 23 और 22 के अराउंड में वेरी कर रहा है, तो आज फिलहाल प्योर एवरेज टेस्ट हो जाएगा। बारिश हुई तो सब कबाड़ा हो जाएगा, जो वीडियो बनानी है ना एक और वो नहीं बना पाएंगे, बस दो घंटे और रोजा बारिश फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रेटा वाला को जुनून आ गया, देखो देखो क्रेटा वाला पीछे पीछे एक्सरसाइज कर रहा, लग रहा है आगे निकल जाएगा। अभी तो बेटा सर्विस नहीं हुई, पावर थोड़ी सी कम है, पावर बढ़ेगी सर्विसिंग के बाद। तो और हो रही रिकॉर्डिंग, हो रही। अभी यहाँ से पेट्रोल लाया था, थोड़ा सा ट्रैफिक वहाँ पे था, अभी आगे भी थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, मतलब इतना नहीं है, रनिंग ट्रैफिक ही है। सुबह निकलने में जो रहता खाली खाली रहता तो एवरेज टेस्ट इतना परफेक्ट हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने अभी दोपहर का टाइम चूज किया। अभी टाइम हो रहा है भाई 3 बज गए, 3:15 हो रहे हैं, तो अभी ये निकले हैं सैटरडे 5, अभी 3 किलोमीटर आ चुके हैं अपन पेट्रोल फुल टंकी करा के। भाई दिन में तो और ही तगड़े रिएक्शन मिल रहे हैं भाई, मतलब आगे आके बंदे पूछ रहे भाई दो साइलेंसर है, और आज तो पूरा किट में है अपन लोग, ऊपर से नीचे तक हाफ पूरा किट है। आई होप वीडियो ऑडियो क्लियर आ रही हो, वरना चोट ना हो जाए तो चलो दोबारा बनाना पड़े। वैसे सही माइक तो लगा दिया था, एक तो हमारी सबसे बड़ी आदत है चेक नहीं करते रास्ते में, हाईवे में भी थोड़ी सी भगा के देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, मतलब तो ओवरऑल जितना बेस्ट एक्सपीरियंस हो पाए उतना डिलीवर कर पाए हम अपने एंड से, क्योंकि मैंने आफ्टर सर्विस तो बहुत देखी है लेकिन 2023 की आई गेस मैंने नहीं देखी है कोई प्रॉपर टेस्टिंग यूट्यूब पे एवरेज से रिलेटेड। उसमें लमसम आइडिया तो लगी जाता है, एक्यूरेसी पता नहीं आती कि नहीं आती, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता होगा टैंक का फुल होल का। फिलहाल अपन को तो एक्यूरेसी में नहीं मिले, लमसम मिल जाता भी सही है। ऐसा मौसम बहुत परफेक्ट रहता भाई, बहुत मजा आता, रुकने का मन नहीं करता, ऐसा लगता चलाते रहो। तो भाई 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट आने वाले हैं, आज टोटल रन करेंगे 100 किलोमीटर के अराउंड, उसके बाद पेट्रोल लगाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में ही पता चलता है एवरेज का, क्योंकि उसमें आप तेज भी चलाते हो, स्लो भी करते हो, ट्रैफिक में भी रहते हो, क्लेश का भी यूज करते हो, तो इन सबको आज कंडीशन को रख के एक बार प्रॉपर टेस्ट होगा, ठीक है। जब तक आप स्पीड का एंजॉय करो, थोड़ी भगा भी, गाय देख रहे कितनी है इस रोड पे, गाय बहुत है। परफेक्ट ऐसी मौसम रहा है जब तक हम टेस्ट ना कर लें पूरा, क्लेश भी दबा रहा है, सब चीज हो रही है, ट्रक भी आ रहा है, आज बढ़िया सी वीडियो बन जाएगी गाइस। तो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डिलीवरी वाली और अनलोडिंग वाली वीडियो जरूर देखना, उन्होंने प्यार देना अगर आपको पसंद आए तो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई होप अच्छा लगे आपको भी। जो टोल आ गया है भाई, बहुत तेज धूप हो गई है, अपन को तो क्या है, अपन को तो थोड़ा टोल देना है, तो साइड से कहीं से भी कट लेंगे। भाई ऐसा क्यों लग रहा है हेलमेट उड़ जाएगा, हाँ यार ऊपर की साइड फेंक रहा, जबकि लगाए तो अच्छे से, इसका पट्टा गले का बेल्ट तो जोड़ जाए हेलमेट इतनी स्पीड पे। तो अभी अपन आ चुके हैं 12 किलोमीटर, अभी तो कंटिन्यूअली 100 पे चल रहा है, पिंड बिलास बहुत तगड़ा आ रहा है, लेकिन हमने जी टी की एक नोटिस करी कि एयर को कट नहीं कर पाती अच्छे से, तब इतनी एरोडायनेमिक नहीं है। तो ये कट आ गया भाई दतिया वाला, तो अपन यहाँ से राइट लेंगे और अपन आ चुके हैं 21 किलोमीटर। तो यहाँ से भिंड कानपुर 252,
सिंगल लोड हो लेकिन बिल्कुल पॉट होल ना हो तो सही रहता। ये 28 किलोमीटर का है रोड तथिया तक। भाई 37 ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर होने वाले हैं। कर बहुत प्यारे प्यारे हैं लेकिन ओहो भाई पूरी तो नहीं लेटी थी, थोड़ी सी लेटी थी तो अब बढ़िया कर ले सकते। फिफ्टी किलोमीटर हो गए। देखो भाई साहब उल्टे आ रहा भाई साहब, हद देख रहे गाइस। एक्सीडेंट को खुद की गलती से तो बात अलग ही, 90% इंडिया में दूसरे की गलती से एक्सीडेंट होता। घर पे मत जाना, हम तो एक जस्ट बात बता रहे, पता चला पकड़ के बैठे जाओ। भाई साहब तुमने 90% बोली थी, लो यहाँ तो 90% रेट ही नहीं है। भाग गया क्या? तो पता नहीं क्या मैटर हो रहा भाई। चलो भाई 4 बज गए तो अपना शूट हो गया है चेंजेस वाला। तो भाई इतनी मेहनत करते हैं यार, एक लाइक बटन तो करके जाया करो, एक लाइक के तो हम लोग हकदार हैं, है ना कि नहीं है? आप बताओ भैया, जो भी है बहुत मेहनत लगती है भाई यूट्यूब वीडियो में भी। अब देखो आज सैटरडे है तो घर से निकले हैं इतनी दूर 60-70 किलोमीटर के लिए, क्योंकि मेरे को भी ऐसी वीडियो देखना, जब मैं कुछ चीज लेने जाता हूँ तो मेरे को पूरी की पूरी वो चाहिए ना अपनी इन्फॉर्मेशन कि क्या है गाड़ी में, क्या मतलब इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं इसी पर्पज से मैंने कही कोई वीडियो स्पेशल नहीं बता पाए, जो मैं फील करता हूँ तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ। ना मेरे को कोई कंपनी पैसा दे रही है, ना कुछ है ना, तो मैं अपने पैसों से अपने खर्चे से सब चीज़ें कर रहा हूँ और एक आप लोगों के लिए बस क्लियर एक ओवरव्यू देने के लिए, क्लियर पिक्चर देने के लिए कि मतलब कैसी चीज़ कौन सी क्या है और कंपनी क्या क्लेम करती है क्या नहीं करती है, सब आपको मैं बताना चाहता हूँ। मतलब जितना हो सकता है मैं डिलीवर करना चाहता हूँ अपनी साइड से, क्योंकि ये एक तरह से अच्छा लगता है मतलब किसी को सही इन्फॉर्मेशन देना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, ठीक है गाइस। तो चलो अब सीधा पेट्रोल पंप पे चलते हैं, अभी पेट्रोल पंप में यहाँ से कुछ होगा 5-10 किलोमीटर, तो उस पर जाके सीधा फिलअप कराएंगे। तो गाइस उसी पेट्रोल पंप पे वापस जाते हुए अभी गोप्रो बीच में निकाल देता क्योंकि थोड़ी बारिश हो रही थी। अपनी गाड़ी 90 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गई है जब से निकले हैं, तो उसी पेट्रोल पंप से सेम नोजल से ही भरवा लेंगे अब, है कि नहीं भाई? 90.2 किलोमीटर चल चुकी है, अब देखेंगे कितना लीटर पेट्रोल आएगा उसके बाद। चलो भाई इतना आ गया जितना छुड़वाया था, 90.2 डिवाइडेड बाई 3.27, तो गाड़ी 30 का एवरेज दिया, देख रहे 27 का देख रही भाई, और जबकि इतनी स्पीड खींचने के बाद भी सही निकाला ना भाई, ऐसे ही निकालते नहीं निकालते तो कमेंट करके बताना कितना हुआ, फिगर तो आपने देख ही लिए। चलो भाई अब घर पे निकलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं लेमन ट्री के पीछे, वो सामने लेमन ट्री है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नई गाड़ी अपन को देती है पहली सर्विस से पहले ये दे रही है 27 का एवरेज, जो कि बहुत अच्छा है। हमें तो उम्मीद थी नहीं इतने की, सही बताएं तो हमें तो लग रहा था 20 तक का आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपन को एवरेज काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम चला भी बहुत प्यार से रहे थे, मतलब लापरवाह तरीके से नहीं चला रहे कि सिर्फ रौंदने के पर्पज से। तो आज का मिशन सक्सेसफुल हुआ, हैवी इंजन के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। चलो गाइस बाय, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।